हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ बाटी, मकुनी बाटी, जिसको चने को भून के उसको ग्राइंड कर लिया जाता है। इसमें मैं नमक, अजवाइन, हल्दी और हींग और मिर्चा और अचार का मसाला और धनिया को डाल के और लहसुन अदरक का पेस्ट और मिर्चा, इसको अच्छे से थोड़ा सा तेल डाल के मस्टर्ड ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चटपटा सा बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे देखिए बैंगन और टमाटर को भून लिया है मैंने चोखा बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया और दूध बह गया है। एक तरफ आलू उबल रहा है। ये देखिए यहाँ पे सब रेडी हो गया है बाटी बनाने के लिए। ये देखिए इसका फीलिंग एकदम रेडी है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में फ्रेंड्स। अब टमाटर और बैंगन को अच्छे से छील के चोखा बनेगा। ये देखिए बाटी बनाया जा रहा है। इसको हम लोग आज भून के बनाएंगे आग पे, नहीं तो हमेशा छान के ही बनाते थे। या हम लोग अपने लिए प्याज इसमें मिक्स करके अच्छे से सब बनाएंगे। सबको प्याज वाला नहीं पसंद है तो, और लोगों को सादा बाटी बना है। ये देखिए आग पे हम लोग बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में फ्रेंड। एक बार आप लोग इस तरीके से ज़रूर बना के खाइए। यहाँ पे मैं पापा के लिए खाना निकाल रही हूँ। देखिए बाटी, घी, चोखा और प्याज, देखिए कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है खाने में। सॉरी, देखने में, खाने में भी बहुत टेस्टी था। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।